हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ राहुल भटनागर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम ये वीडियो एक नए चैप्टर, एक बहुत आसान चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। इस चैप्टर को मैं आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पहले से ही आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने इसको समझा हुआ है। जब हमने लेजर अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा था, आपका चैप्टर नंबर 9, मैंने खुद अपने दो वीडियोज़ में जब हमने लेजर अकाउंट्स बनाया था उस समय हमने ट्रायल बैलेंस को भी समझा था उसके साथ साथ, क्योंकि लेजर के साथ ही ट्रायल बैलेंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे 24 और 26 वीडियो नंबर को भी देखें, जिससे कि आपको कंसेप्ट में और भी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो नंबर 24 एंड 26, ये मेरा अपना सीरियल नंबर चल रहा है वीडियो सीरीज़ का, आप इसको भी देख सकते हैं। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम इसको नहीं समझेंगे, बल्कि आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस को कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसका क्या पर्पस है बनाने का, इवन इसकी क्या बेनिफिट्स हैं और इवन क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस को समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है तो उसकी सबसे पहले एंट्री कहाँ होती है? उसकी सबसे पहले एंट्री हम करते हैं जर्नल में, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्रीज करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस सीक्वेंस में, डेट वाइज करते हैं। जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, मींस हर अकाउंट हेड का एक डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बनाया जाता है और उसके फिर बैलेंसेस निकाले जाते हैं। आफ्टर पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इन टू लेजर एंड बैलेंसिंग ऑल द अकाउंट्स, कंपनी मैनेजमेंट्स मे वॉन्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ ऑल योर पोस्टिंग। मीन्स कंपनी की मैनेजमेंट ये देखना चाहती है, ये वेरीफाई करना चाहती है कि आपने जो लेजर में अकाउंट्स की पोस्टिंग करी है वो ठीक करी है कि नहीं करी। फॉर दिस पर्पस वी प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स विच आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। सभी डेबिट बैलेंसेज को हम एक कॉलम में शो करते हैं एंड क्रेडिट बैलेंसेज आर शोन इन अनदर कॉलम। हम ट्रायल बैलेंस का एक आसान सा फॉर्मेट है उसको हम बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सीरियल नंबर, फिर अकाउंट हेड, देन लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, उसके बाद क्रेडिट रुपीज़। ये एक छोटा सा फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस के लिए। डेबिट बैलेंसेस जो अकाउंट्स के होते हैं उनको हम डेबिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंसेस को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेबिट बैलेंसेस स्टूडेंट्स किन के होते हैं आप बताइए? डेबिट बैलेंसेस मिलेंगे हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस के, और क्रेडिट बैलेंसेस मिलेंगे हमारे लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू के। तो इस कंसेप्ट को भी हम ध्यान में रखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं, टोटल ऑफ बोथ द कॉलम, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। अगर ये दोनों कॉलम्स का टोटल इक्वल आ रहा है, इट मीन्स देर इज़ नो एरर इन पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स इन लेजर। एंड इन केस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल में कुछ फर्क आ रहा है, डिफरेंस है कोई इन दोनों टोटल्स में, इट मीन्स यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक समवेयर एंड यू नीड टू चेक इट एंड गेट इट करेक्टेड। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो ट्रायल बैलेंस है ये सिर्फ एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स है। जितने भी हमने लेजर में अकाउंट्स पोस्ट किए हैं उनकी हम एक लिस्ट बना रहे हैं और उसको हम डेबिट और क्रेडिट पोस्टिंग कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ दोनों अकाउंट रखते हैं। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ से डेबिट और क्रेडिट है तो सही यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ लिस्ट है ऑफ अदर अकाउंट्स की। तो इसलिए ये ट्रायल बैलेंस जो है आपका डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट्स सिंपली ए लिस्ट शोइंग द बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स। अब सवाल उठता है कि ट्रायल बैलेंस को कब बनाया जाए? यूजुअली ट्रायल बैलेंस को फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले बनाया जाता है, लेकिन इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक डेट नहीं है। एट एनी टाइम ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेज। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा
जो हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में। इट मींस जर्नल एंट्रीज की जो जर्नी है वो लेजर पे आके फिनिश हो जाती है। लेजर को पोस्ट किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड में जो अपीयर हो रहे हैं, उनको हम पोस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। मींस जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस से एक्सट्रैक्ट को उठाया जाता है। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। ये एक इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसमें हमने लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखे हुए हैं, और इसमें ये नहीं लिखा है कि ये वेदर इट विल गो टू डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये आपने खुद बताना है। और ट्रायल बैलेंस में हमने बनाया हुआ है, इस फॉर्मेट के अंदर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है। एसेट्स अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रिवेन्यू है, कौन सा है? अब देखिए, मशीन अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही होता है, डेटर्स अकाउंट एसेट्स अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस लेते हैं हम परचेजेस को, सेल्स अकाउंट हमारा रिवेन्यू अकाउंट है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। अब आप बताइए रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ? आउटवर्ड मतलब जो हम आउट, मतलब आउट हमारे पास से आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। इट मीन्स हमने परचेज किया होगा तो वो रिटर्न हो रहा है, तो ये भी एक एक्सपेंस अकाउंट है। एक तरह से एक्सपेंस अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, परचेजेस के साथ रिलेटेड है, हमने जो परचेजेस किए थे वो आउट हो रहे हैं, हम वापस दे रहे हैं जिसके साथ हमने परचेजेस किए हैं। इसी तरह रिटर्न इनवर्ड को वो सेल्स इनवर्ड भी लिख सकते हैं। इट मीन्स रिटर्न इनवर्ड मतलब जो हमारे पास वापस आ रहा है, ये हमारा किससे रिलेटेड है? हमारा सेल्स के साथ रिलेटेड है, और सेल्स हमारा रिवेन्यू अकाउंट है, तो ये हमारा डिक्रीज इन रिवेन्यू अकाउंट हो गया। बिल्स पेबल आप जानते हैं लाइबिलिटी अकाउंट है ये, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट्स अकाउंट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगेन हमारा परचेजेस से रिलेटेड है, मीन्स एक्सपेंस अकाउंट में, वेजेस अकाउंट, रेंट सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये हमारे सारे एक्सपेंस अकाउंट हैं। अब हम इन अकाउंट्स बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं और फिर टैली करेंगे ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले है मशीन अकाउंट, सीरियल नंबर डालना चाहें डाल लीजिए, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट 2,46,000, मीन्स कि ये डेबिट बैलेंस है। जो एसेट्स अकाउंट होता है ये डेट इज़ ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस, तो आप इसको डेबिट साइड में लिख देंगे 2,46,000। सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट है आप जानते हैं, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है? हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, 2,50,000 हमने दिखा दिया क्रेडिट बैलेंस। आगे चलें, डेटर्स अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है तो मीन्स डेबिट बैलेंस है हमारा, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट हमारा कितना है? 20,000। क्रेडिटर्स अकाउंट, ट्वेंटी 2,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को जैसे भी हमने जिक्र किया इसको हम एक्सपेंस अकाउंट मानते हैं, एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने डेबिट बैलेंस लिख दिया इसका, परचेज अकाउंट 35,000। सेल्स अकाउंट रिवेन्यू अकाउंट है हमारा, हम क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट बैलेंस, तो 500 हम क्रेडिट में दिखा देंगे। रिटर्न इनवर्ड हमारा रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, वापस आ गया हमारे पास, तो हमारा ये डेबिट बैलेंस आ गया।
रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, और डिक्रीज हो गया तो हमारा डेबिट बैलेंस। बिल्स पेबल 4,000 रुपीज़ हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल एसेट्स अकाउंट, BR लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में आपको, 8,000 रुपीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्स थाउजेंड रुपीज़ लाइबिलिटी अकाउंट हमारा क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओपनिंग स्टॉक ये हमारा परचेजेस से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। वेजेस, सैलरीज एंड रेंट, ये तीनों हमारे एक्सपेंस अकाउंट हैं, इन तीनों को हम डेबिट कर देंगे। वेजेस, सैलरीज एंड रेंट अकाउंट, वेजेस है 6,000 रुपीज़, 9,000 एंड 3,000। अब इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का हम टोटल चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले है 2,46,000, देन 20,55,000, देन 8,9,000, 7,500, 15,000 and 18,000। यह है 3,35,500। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 25,000 प्लस में 22,000 प्लस में 53,500 प्लस में 10,000, तो ये भी सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, 3,35,500। जैसा कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है 3,35,500। इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि हमने कोई अर्थमेटिकल हमारी एरर तो नहीं हुई है, हालांकि और दूसरे तरीके की एरर हो सकती हैं जो अभी हमने डिस्कस करी कि ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगी, इवन देन हमारी कुछ एरर हो सकती हैं जिसको ट्रायल बैलेंस इज अनेबल टू डिटेक्ट। तो अब हम जल्दी से रिविज़न कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने आज ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या समझा है। ट्रायल बैलेंस को हम कभी भी बना सकते हैं, यूजली इसको हम फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले बनाते हैं, लेकिन आप इसे कभी भी बना सकते हैं। इसका पर्पस है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स इन लेजर। सेकेंडली, ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ हमने जितने भी बैलेंसेस लिखे हैं ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट्स या P&L में जाएंगे। अभी हम इसको समझ भी लेते हैं। चलिए, मशीन अकाउंट हमारा है, कहाँ जाता है ये, बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब बैलेंस शीट में जाएंगे। परचेज अकाउंट ये हमारा कहाँ जाता है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड हमने वापस किया है, आएगा ये भी क्रेडिट साइड, और रिटर्न इनवर्ड ये में जाएगा डेबिट साइड। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल ये हमारी बैलेंस शीट आइटम्स हैं, बिल्स पेबल को हम शो करेंगे लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट में, और बिल्स रिसीवेबल को हम एसेट्स शो करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी बैलेंस शीट आइटम है, ओपनिंग स्टॉक को हम अगेन डेबिट साइड में, वेजेस, सैलरीज, रेंट ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ये हमारे कहाँ जाएंगे, P&L अकाउंट में। तो देखिए कितना आसान हो गया, इन लेजर बैलेंसेस को सीधा आप फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट है और कितना नेट प्रॉफिट है। स्टूडेंट्स, एक और इलस्ट्रेशंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ इस इलस्ट्रेशंस को भी आप अच्छे से देखें, समझें, और इस इलस्ट्रेशंस के थ्रू मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस की कितनी समझ में है। इसके अलावा आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स कितने अच्छे तरीके से समझ में आता है ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ये एक ट्रायल बैलेंस है, एक ट्रेडर की ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडर ने अपनी ट्रायल बैलेंस को टैली करके हमको दे दिया है। 2,46,300 का टोटल डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी है। एज़ पर द ट्रेडर ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस में बहुत सी गलतियाँ हैं। हमको ये फाइंड आउट करनी है कि कौन सी इसमें गलतियाँ हैं और करेक्ट ट्रायल बैलेंस को फिर हमें बनाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अभी पॉज करो, अभी आप इस इलस्ट्रेशंस को थोड़ा देखिए
अकाउंट हेड्स को देखिए, डेबिट क्रेडिट्स को देखिए, क्या सही किया हुआ है क्या गलत किया हुआ है, कोशिश करिए देख समझने की, करने की, उसको रीड्राफ्ट करते हैं फिर हम ट्रायल बैलेंस को। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट साइड में दिखाया हुआ है। बिल्डिंग अकाउंट हमारा एसेट साइड, एसेट्स होती है, डेबिट में दिखाया हुआ है, बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है। मशीनरी हमारी एसेट्स हैं, मशीनरी भी हमें ठीक दिखाया हुआ है, डेबिट साइड में दिखाया हुआ है, डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल 73,600। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी इन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है। फिक्स्चर, फिक्स्चर 5,600। अब देखिए ये इन्होंने क्रेडिट बैलेंस में दिखाया हुआ है, तो क्या क्रेडिट बैलेंस ठीक है? फर्नीचर एंड फिक्स्चर हमारी एसेट्स है, अगर और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये फर्नीचर एंड फिक्स्चर कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए डेबिट साइड में, इट मीन्स ये गलत है। तो हम क्या बना रहे हैं इस समय? रीड्राफ्टेड। रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स बाहर गया है, हमारे पास से बाहर जाना, इसको हम परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। परचेज जो है हमारा, अगर एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? इसको क्रेडिट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गलत किया हुआ है इसको? 2,600, और हमको यहाँ पे लिखना चाहिए 2,600 यहाँ क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट देखिए बैड डेट्स 2,800। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा ठीक लिखा हुआ है डेबिट साइड में। कैश 400, ये भी हमारा एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है, ये भी हमको ठीक लिखा हुआ है। सेल्स, सेल्स हमारा रिवेन्यू है, रिवेन्यू का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 1,04,000 ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब हमारी इनकम हुआ है ना, हमें इनकम होती है तो रिवेन्यू हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड इट मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000, हमको डिस्काउंट मिला है, इनकम हुआ है, इनकम होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका मतलब ये इन्होंने डेबिट बैलेंस गलत दिखाया हुआ है ना, तो इसको हमको कहाँ दिखाना चाहिए? 3,000 हमको क्रेडिट साइड में दिखाना चाहिए। डेटर्स, अब देखिए डेटर्स तो मालूम होना चाहिए, डेटर्स इन्होंने क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो आप इसको एसेट्स को भी हम दिखाएंगे डेबिट साइड में, और इसका मतलब ये भी गलत है। देखिए कितनी सारी मिस्टेक्स निकल के आ रही हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट बैलेंस दिखाया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारी क्लियर कट लायबिलिटी है, ये भी गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा 10,000 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,600, ये ठीक दिखाया है, क्योंकि ये हमारी इनकम है, हमें मिला है, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, हमें ये ठीक दिखाया हुआ है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को बताइए डेबिट बैलेंस किया हुआ है, क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है, तो हमारा 50,000 ये भी गलत हो गया, 50,000 हमने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, परचेजेस 1,00,000 रुपीज़। परचेजेस अगर एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो परचेजेस का ठीक लिखा हुआ है। इसके अलावा बाद है इनपुट SGST। स्टूडेंट्स हमने GST के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इनपुट जो होता है वो हमारा एसेट्स होता है, और आउटपुट जो होती है वो हमारा लाइबिलिटी होती है। तो इनपुट अगर SGST है तो ये तो हमारी एसेट्स होनी चाहिए ना, तो ये इन्होंने क्रेडिट साइड में क्यों दिखा दिया है? इनपुट हमारा ये भी गलत है, ये आएगा यहाँ पे 500, ये हमारी एसेट्स है। और आउटपुट IGST, आउटपुट IGST हमारी लाइबिलिटी है, ये हमें पे करनी है, तो हमारी एसेट साइड में क्या कर रही है ये? तो हमको ये 500 यहाँ पे दिखाना है, और ये भी गलत है। अब स्टूडेंट्स हम इसका टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि क्या अब हमारी ट्रायल बैलेंस टैली हो रही है। सबसे पहले है 60,000, देन 17,000,
5600, 2800, 400, 60,000, 1 lakh एंड 500, 246,300। देखिए बैलेंस कितने मज़े की बात है, बैलेंस यही आ रहा है 246,300। अब हमने जो क्रॉस लगा दिए हैं इनको हटा दिया है और जो बाद में लिखे हैं इसको ऐड किया है। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, हम ये आइटम्स को हम करेंगे और जिस पे क्रॉस लगा हुआ है इसको नहीं करेंगे। टोटल 73,600, 2,600, 104,000, 3,000, 10,000, 2,600, 50,000 एंड 500, 246,300। देखिए दोनों तरफ का हमारा ये जो हमारी ट्रायल बैलेंस है, रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस इसका भी यही आया है। अब ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, ट्रायल बैलेंस टैली होने पे भी, डेबिट क्रेडिट टैली होने पे भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम अपनी पोस्टिंग आगे कर देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में या बैलेंस शीट में, तो बिल्कुल गलत बनता। तो ट्रायल बैलेंस की ये एक शॉर्ट कमिंग है, आप लिमिटेशंस कह सकते हो कि ये कैसे टैली हो गया, इनका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कैसे टैली हो गया और टोटल भी वही आ रहा है। ये कंपनसेटिंग एरर है, एक एरर ने दूसरी एरर को कंपनसेट कर दिया है। डेबिट बैलेंस की मिस्टेक्स कंपनसेट हुई क्रेडिट बैलेंस से और क्रेडिट बैलेंस की मिस्टेक्स कंपनसेट हुई डेबिट बैलेंस से। तो ये एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग है जिसको आप लिमिटेशंस कह लो ट्रायल बैलेंस की। तो अब चलिए लिमिटेशंस की बात हुई है तो हम ट्रायल बैलेंस की और लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। एक लिमिटेशंस तो आपने ये देख ली, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली एरर जो हमने अभी यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में नोट करी है उसका नाम, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। इसके अलावा और भी एरर्स होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन मींस कि कोई कोई ट्रांजैक्शंस आप बिल्कुल ही ओमिट कर गए, कोई जनरल एंट्री करी हुई है आप बिल्कुल उसको लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। जब लेजर में ही पोस्ट नहीं हुआ, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड किसी भी साइड पोस्ट नहीं हुआ, तो वो ट्रायल बैलेंस में तो उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं ना। तो एक और एरर हो गई आपकी, एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन भी अगर हो जाती है तो ट्रायल बैलेंस इज अनेबल टू डिटेक्ट दिस मिस्टेक। फिर नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मींस अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट को हमने फॉलो नहीं किया तो उस मिस्टेक को भी ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और एरर भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन को आपने अगर दो बार रिकॉर्ड कर देंगे लेजर में और वो लेजर पोस्ट होके ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा बैलेंस, तो वो भी एरर को ट्रायल बैलेंस इज अनेबल टू डिटेक्ट। एक और एरर भी हो सकती है स्टूडेंट्स, रेंट का अमाउंट फॉर एग्जांपल अगर सैलरी अकाउंट में दिखा दिया और सैलरी का अमाउंट अगर रेंट अकाउंट में दिखा दिया, तो अमाउंट चाहे ठीक है लेकिन वो रेंट का जो अमाउंट था वो सैलरी में चला गया और सैलरी का अमाउंट अगर रेंट में आ गया, तो इस एरर को भी ट्रायल बैलेंस इज अनेबल टू डिटेक्ट। एक्चुअली स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस का यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है, ट्रायल बैलेंस से हमें ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कोई एक अकाउंट नहीं है, ये एक सिंपली वर्किंग नोट है। हम इस पे एक सिर्फ स्टेटमेंट है, एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है जिसमें हम सिर्फ से बैलेंस लिख रहे हैं। तो ये सारी जो एरर्स हैं वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस टू डिटेक्ट। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आज हमने ट्रायल बैलेंस के पर्पस समझा, क्यों बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस, इसके फीचर्स क्या हैं उसको समझा, और आज इस समय लिमिटेशंस भी समझी हैं, और हमने दो एग्जांपल्स किए हैं ट्रायल बैलेंस, जो एक में तो एरर था, ट्रायल बैलेंस बनी हुई थी
टैलीड थी लेकिन उसमें एरर था, बहुत सारी एरर्स थी जिसको हमने रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस एक बनाई है। इसके अलावा हमने ट्रायल बैलेंस अपने आप भी बनाई है अकाउंट्स हेड को आइडेंटिफाई करके, हमने उसको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव सम डाउट्स देन यू कैन राइट ऑन टू माई कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स बिल्कुल आपको करंट चैप्टर के हिसाब से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम आपके सिलेबस के हिसाब से आपके चैप्टर के हिसाब से चल रहे हैं आगे, चैप्टर वाइज चल रहे हैं आगे। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे बिल्कुल एज़ पर योर करंट सिलेबस। अभी हम ट्रायल बैलेंस को आगे और कंटिन्यू रखेंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक का, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को सवाल करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिखाया जाता। इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।